अडानी, गौतम अडानी, नाम तो सुना होगा आपने। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक। केंद्र में जब मोदी सरकार बनी तो इनका नाम खूब सुर्खियों में आया। अब जनाब एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और उनका एक फैसला है एनडीटीवी में हिस्सेदारी का। जी हां, आखिर बड़ा सवाल उठता है कि उन्होंने एनडीटीवी में हिस्सेदारी क्यों खरीदी, जिसके चलते एनडीटीवी में इस्तीफों की झड़ी लग गई और ये सिलसिला अभी भी जारी है। आज बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे अडानी की रणनीति और राजनीति क्या है। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं। कहा यह भी जाता है कि पीएम मोदी से इनकी अच्छी दोस्ती है और इस बात को विपक्ष ज्यादा जोर शोर से उछालता रहा है। इसलिए बिजनेसमैन होते हुए भी अडानी राजनीति की दुनिया में भी बहस और चर्चाओं का विषय बने रहे। मीडिया में उनकी चर्चा तो पहले भी होती थी, लेकिन एनडीटीवी में बड़े हिस्सेदारी हासिल करने के साथ वो नए रूप में एक बड़ा मुद्दा बन गए। राजनीतिक चर्चा और मीडिया की बहस के बीच अडानी के एनडीटीवी को लेकर अपने कुछ सपने हैं, कुछ प्लान्स हैं। इसका खुलासा उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स नाम के एक न्यूज़पेपर में दिए अपने इंटरव्यू में किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने एनडीटीवी को लेकर अपनी रणनीति सामने रखी। गौतम अडानी का कहना है कि वो एनडीटीवी को ग्लोबल न्यूज ब्रांड बनाना चाहते हैं। गौतम अडानी ने ये भी कहा कि भारत में अल जजीरा की टक्कर का कोई चैनल ही नहीं है। अडानी का कहना है कि आज़ादी का मतलब है कि अगर सरकार ने कुछ गलत किया है तो आप कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन सरकार जो अच्छे काम कर रही है वो भी दिखाने चाहिए। जहां तक एनडीटीवी की बात है तो टीवी इंडस्ट्री में एनडीटीवी ने 1988 में भारत के मीडिया में एक बिल्कुल अलग कदम रखा था। ये वो दौर था जिस समय टीवी मीडिया बूम ले रहा था और इसी बीच एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्टिंग और बहस और मुद्दों पर आधारित प्रोग्राम्स के बलबूते अपनी अलग पहचान बना ली थी। हालांकि अपनी अलग पत्रकारिता की वजह से एनडीटीवी पहले से ही एक बड़े वर्ग के निशाने पर रहा। माना तो ये तक भी जाता है कि केंद्र की सत्ता में बीजेपी के मजबूत होने के बाद एनडीटीवी के सामने चुनौतियां और बड़ी हो गई। कुल मिलाकर वो सिर्फ एक चैनल बनने और अधिग्रहण की कहानी नहीं है, बल्कि इसने भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर भी सवाल उठा दिए। हालांकि गौतम अडानी का कहना है कि वो भारतीय मीडिया को दुनिया में मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।